हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज एक बहुत ही बम्पर भर्ती निकली है आंगनवाड़ी की, और हम देखेंगे कैसे उसको मतलब देख कौन कौन सा मतलब डिस्ट्रिक्ट का निकला है वो हम देखने वाले हैं आज। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, देखिए क्या होने वाला है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए क्रोम में हम देखेंगे, देखिए सरकारी रिजल्ट आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको कर देना है ओके। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर ओके। देखिए उसके बाद फर्स्ट लिंक जो सरकारी दल खोलेगी उसको आपको क्लिक करना है, उस पर आपको करना है ये देखिए वेरियस डिस्ट्रिक्ट आंगनवाड़ी भर्ती, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप क्लिक कर दीजिए, ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने खुलकर आ जाएगी, और इसके बारे में आपको डिटेल भी दी गई है। ये देखिए आप खोल के देखिए, देखिए SC ST 0 जनरल OBC सबके 0। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लग रही है, मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स, और आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो 10 ईयर पास फीमेल्स के लिए है, ये ओनली मेल्स के लिए नहीं है। और ये जो आंगनवाड़ी हेल्पर है उसके लिए 5th क्लास पास ही चाहिए। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ग्रैब कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए हम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये दी है, और ये दिखा दिया है कैसे फॉर्म फिल करना है। ये देखिए ये है डिस्ट्रिक्ट नेम, बाराबंकी, गाजीपुर, चंदौली, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में निकली हैं। और आपका अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से आपको सीधा ये देखिए सबकी दिखा दी कितनी पोस्ट हैं, और आप यहाँ से सीधा अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो या फिर वहीं से कर सकते हो। तो यहाँ से अभी कर सकते हो अप्लाई, ऑनलाइन मोड लिखा है यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वो है, आप ट्राई ज़रूर करना। वैसे भी लॉकडाउन में क्या कर रहे हो फालतू, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करिए। और मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा है, इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, तो आप करके देखिए, बहुत ही अच्छा है ये। तो इसमें देखिए 3 वो हैं पोस्ट, आंगनवाड़ी वर्कर है, मिनी आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी हेल्पर है, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। और ये देखिए इसमें जो भी है एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ चाहिए, एड्रेस डिटेल, बेसिक इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, ID, जो भी आपका, आप सब कुछ रेडी करके रख लीजिए। और आप खुद भी फिल फॉर्म कर सकते हैं या फिर किसी कैफ़े पर जाकर भी फिल फॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।